भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 इंटरनेशनल बारिश के नाम रहा और मुकाबला नहीं हो सका, बिना गेंद फेंके ही मैच को रद्द घोषित करना पड़ा। मैच के बाद जब हार्दिक पांड्या मीडिया से मुखातिब हुए, तब हार्दिक पांड्या नहीं एक कप्तान ज्यादा नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला T20 इंटरनेशनल जो है वो बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। सुबह बारिश हुई और बारिश होने के बाद जब थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी तो लगा था कि टॉस होगा, लेकिन टॉस भी नहीं हो सका क्योंकि फिर से बूंदाबांदी शुरू हुई और मैच को रद्द करना पड़ा। इसके बाद हार्दिक पांड्या मीडिया से बातचीत करने के लिए आए, लेकिन जब मीडिया से बातचीत करने के लिए हार्दिक पांड्या शुक्रवार को आए तो वो हार्दिक पांड्या कम एक कप्तान ज्यादा नजर आए। उनकी बातों से मतलब अगर आप निकालें तो लगता है कि शायद उनको वो आभास हो गया है कि शायद आने वाले समय में वो भारतीय टीम की कमान संभालेंगे, ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है, अब उन्होंने क्या क्या कहा और किस किस के लिए कहा, जो उन्होंने बातें कही वो संदेश है, तो किस किस के लिए संदेश है यह बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो जो हार्दिक पांड्या मैच के बाद आए तो उन्होंने जो एक कप्तान के तौर पे सबसे बड़ी बात कही, पहले उसी की बात कर लेता हूं फिर मैं बाकी बातों पर करूंगा इस सीरीज पर। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट जो कुछ भी कहेंगे खिलाड़ी वही मानेंगे। तो यह संदेश प्रेजेंट टीम के हर खिलाड़ी के लिए था कि आपको टीम मैनेजमेंट के प्लान के अनुसार ही खेलना है, आगे बढ़ना है, मैच में अप्रोच करना है और उसी के अनुसार अपने खेलने की रणनीति तैयार करनी है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं 6 सालों से खेल रहा हूं और खिलाड़ी मेरी बात सुनते हैं, यह लाइन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक कप्तान के तौर पर अगर आप कुछ सबसे ज्यादा चाहते हैं तो यह चाहते हैं कि खिलाड़ी आपकी इज्जत करें, आपकी बातों की इज्जत करें और जो आप कहें उसे मानने को तैयार दिखें। तो एक कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या जब सामने आए तो उन्होंने ये बातें बहुत जोर देकर कही कि मैं 6 सालों से खेल रहा हूं और लोग मेरी बातों को सुनते हैं, मेरी बातों को रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये एक संदेश है प्रेजेंट खिलाड़ियों के लिए। तो क्या उनका संदेश सिर्फ प्रेजेंट खिलाड़ियों तक छिपा था या इससे ज्यादा है? उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर हालात की मांग होती है तो मैं और काफी अनुभवी खिलाड़ी विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे, मैं और काफी अनुभवी खिलाड़ी। अब ये काफी अनुभवी खिलाड़ी को अंडरलाइन कीजिए और सोचिए कि ये किसके बारे में वो बातें कर रहे हैं, या कहूं कि किनके बारे में, कोई ये एक नहीं है। जब काफी अनुभवी की बात करते हैं तो वो नाम आपके जहन में खुद ब खुद आ जाएंगे कि इस टीम के साथ जो भविष्य में जुड़ सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं। और वो ये हार्दिक पांड्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सब को जो है वो तैयार रहना है विभिन्न भूमिकाएं निभाने को। तो कहने का मतलब यहां पर हार्दिक पांड्या ये बात भी जोर देकर कहना चाह रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं अगर वो भविष्य में टीम के साथ जुड़ते हैं तो वो अलग अलग रोल के लिए तैयार रहें। कहने का मतलब कि जो रोल वो अभी निभा रहे हैं उससे अलग रोल के लिए। हालांकि इसमें उन्होंने खुद को भी इंक्लूड किया, लेकिन ये समझा जा सकता है कि खुद को जोड़कर उनका जो इशारा है वो किसकी तरफ है, किन सीनियर खिलाड़ियों की वो बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक कप्तान के तौर पर अब वो चीजों को अपने कमांड में लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें मालूम है कि वो सिर्फ इस सीरीज भर के कप्तान नहीं है बल्कि शायद 2024 का जो आने वाला T20 का विश्व कप है उसकी कप्तानी की जिम्मेदारी भी उन्हें ही सौंपी जाए। ये बातें बहुत जोर शोर से की भी जा रही हैं। कई पूर्व खिलाड़ी जो कि ग्रेट्स हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी सौंपी जाए। तो क्या हार्दिक खुद को मेंटली उसके लिए तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जब वो अब बातें कर रहे हैं ना
तो वो एक कप्तान के तौर पर बातें करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जो अगर बात की तो उन्होंने न्यूजीलैंड दौरे का मकसद बताया और मकसद बताते हुए उन्होंने ये बात कही कि नए खिलाड़ियों के रोल में अस्पष्टता और उन्हें मौका देना न्यूजीलैंड दौरे का मकसद है। और उन्होंने नए खिलाड़ियों को ये भी संदेश दिया और उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड दौरे का एक मकसद ये भी है कि जो युवा खिलाड़ी हैं वो अपने आप को साबित करें, उनको मौका दिया गया है। तो ये संदेश बिल्कुल साफ है कि हर खिलाड़ी जो है वो अपनी भूमिका के साथ न्याय करे और जो प्रदर्शन वो बेस्ट अपना दे सकता है वो देने की कोशिश करे, क्योंकि अब एक फ्यूचर की टीम बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। साथ ही उन्होंने कप्तान के तौर पे न्यूजीलैंड को ललकारा भी। उन्होंने ये कहा कि हाँ ये ठीक है कि ये युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन आप ये मत सोचें कि इनकी जो सोच है या जो इनका अनुभव है वो बिल्कुल नया है, वो इस एक्सपीरियंस के मामले में काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, सभी ने काफी आईपीएल खेला है और उनको जो बड़े मंच का जो प्रेशर होता है वो लेना आता है। हालांकि उन्होंने पहला T20 इंटरनेशनल रद्द होने पर निराशा भी जाहिर की और कहा कि सारे खिलाड़ी इस मैच को लेकर काफी उत्साहित थे, कुछ तो पहले पहुंच गए थे, लेकिन बारिश एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का वश नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हाँ अच्छा, हार्दिक पांड्या ने एक बात और कही, T20 विश्व कप की भी बात की। उन्होंने फिर से T20 विश्व कप की हार का जिक्र किया और कहा कि देखिए हम उसे भूल चुके हैं, मैं उसे भूल चुका हूं। और ये एक मच्योर बातें आप कह सकते हैं, मच्योर बयान कह सकते हैं हार्दिक पांड्या का। उन्होंने कहा कि मैं उसे भूल चुका हूं और आप पीछे जाकर चीजों को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उसे भूल जाना ही बेहतर है, आगे देखने का समय आ गया है। तो लग रहा था जैसे हार्दिक पांड्या द कैप्टन आज बात कर रहे हैं और उनकी बातों में वो अनुभव जो है वो दिख रहा है और वो मैच्योरिटी है वो दिख रही है, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही। आपको बताऊं कि हार्दिक पांड्या ने अब तक जितने मैचों में कप्तानी की है उसमें किसी भी मैच में भारतीय टीम हारी नहीं है, लेकिन हार्दिक ने कहा कि हार तो आएगी मेरी कप्तानी में, बस आप ये चाहते हैं कि वो देर से आए। तो ये एक मच्योर बयान है और इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि हार्दिक पांड्या चीजों को अपने कमांड में लेने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि शायद उनके पास ये संदेश है या उन्होंने एक अनुमान लगाया है या जो अगल बगल में बातें चल रही हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, विशेषज्ञ अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे उन्हें भी लगने लगा है कि वो शायद टीम इंडिया की कप्तानी जो है वो अब लंबे समय तक संभालने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जो उनकी नजर होगी वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप पर होगी। तो क्या हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड दौरे के बाद भी T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे? सुनने में ये आ रहा है कि अगले साल जब बांग्लादेश श्रीलंका का जो दौरा होना है उससे पहले, बांग्लादेश दौरे के बाद श्रीलंका का जो दौरा है उससे पहले जो है हार्दिक पांड्या को T20 का परमानेंट कप्तान घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उससे पहले कोई T20 टूर्नामेंट है नहीं। तो क्या ऐसा होगा, क्या हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के T20 इंटरनेशनल के कप्तान बनेंगे? यह तो वक्त बताएगा, हम आपको जो कुछ भी होगा वो बताने के लिए आते रहेंगे। बस आप बने रहिए न्यूज़ बाय स्कोप के साथ। नमस्कार।